देश और प्रदेश में कतिपय स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए गुना जिले में इस प्रकार की हिंसक घटनाओं से निपटने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने फोर्स की मुस्तैदी के लिए पूरे जिले में अनुभाग स्तर पर बलवा ड्रिल की रिहर्सल कराई गई। गुना के लाल परेड ग्राउंड पर कोतवाली कैंट अजाक यातायात बजरंगगढ़ और पुलिस लाइन से फोर्स की बलवा ड्रिल कराई गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा स्वयं शामिल हुए। बलवा ड्रिल रिहर्सल करने के दौरान पुलिस फोर्स ने दो पार्टियों बलवा ड्रिल रिहर्सल करने के दौरान पुलिस फोर्स को दो पार्टियों में बांटा गया, पहली पुलिस पार्टी और दूसरी बलवा पार्टी। इसमें पुलिस पार्टी की अलग अलग टीमें अश्रु गैस पार्टी, कैन पार्टी, राइफल पार्टी, सर्चिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी, एम्बुलेंस पार्टी बनाई गई। सर्वप्रथम पुलिस फोर्स को रिहर्सल के संबंध में ब्रीफ किया गया, इसके बाद बलवा ड्रिल की पूरी रिहर्सल कराई गई। रिहर्सल में बलवा के समय बलवाइयों के पुलिस पर हावी होने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और उस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए, इसका बलवा ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया गया। इस दौरान बलवाइयों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के समय उग्र रूप लेकर पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंके गए तो पुलिस द्वारा बलवाइयों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं हटी तो पुलिस द्वारा हल्के बल का प्रयोग किया गया। इससे भी भीड़ काबू में नहीं आई तो बलवाइयों की तरफ हवाई फायर किए गए, जिससे बलवाई तितर बितर हो गए और भीड़ को काबू में कर लिया गया। पुलिस की फायरिंग से एक बलवाई घायल हो गया, जिसे पुलिस की एम्बुलेंस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस प्रकार से पुलिस द्वारा बलवा ड्रिल की एक सफल रिहर्सल संपादित की गई। इस सीट का प्रेशर कोई जमीन पर रखे हुए है, कोई हाथ पकड़े हुए है, हाथ पकड़ लीजिए, एक पकड़ना का तरीका नहीं मालूम है कैसे पकड़ा जाता है, ये तो रहा है, अच्छा हो रहा है। शील्ड का अंदर का भाग है, एक आपको हुक दिया है यहाँ पे पकड़ने के लिए, जैसे ट्रेन और बसों में दिया रहता है ना, देखो जो मैंने हाथ डाला है, ऐसे हाथ डालो आप।